कितनी देर लगा दी? हाँ साहब, वो रास्ते में रिक्शा खराब हो गया था ना, इसलिए। देखो आज इसी खराब है, उसे जल्दी ठीक करना है। वो क्या है ना, आज 26 जनवरी है, इसलिए यहाँ भीड़ ज्यादा होगी। वैसे कितना टाइम लगेगा? बस साहब आधे घंटे में हो जाएगा। करीब 30-40 लोगों को बंधक बना रखा है सर। क्या डिमांड क्या है इनकी? सर वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सीआईडी से बात करनी है और इसलिए भेजा बातचीत के लिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। बोलो। तो आ गई सीआईडी। चाहते क्या हो तुम लोग? अच्छा है, सीधे काम की बात पर आ गए। तो सुनो, हमें पूरे 5 करोड़ रुपए चाहिए और वो भी कैश। क्या 5 करोड़? हाँ हाँ 5 करोड़, और वो भी 1 घंटे के अंदर। और याद रखना, अगर किसी तरह की होशियारी की तो यहाँ सबके सब मारे जाएंगे। चुप चुप। अरे होश में तो हो, 5 करोड़ रुपए इतनी जल्दी कहाँ से आ सकते हैं? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आए तो इन सब की मौत का तमाशा देखोगे। नहीं 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 नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे तुम? लेकिन हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 घंटा और दिया। और अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो इन सब की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। हेलो सर, मेन एंट्रेंस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उस पे उनका कड़ा पहरा है। सर इन बदमाशों ने सारे एग्जिट्स बंद कर रखे हैं। इस मॉल का प्लान और ब्लूप्रिंट चाहिए हमें अभी। तो मिस्टर विजय, आप ही हैं इंग्लिश के नए टीचर? कमाल है, आपकी नौकरी का पहला दिन और आपको इतने शरारती बच्चों को संभालने का काम मिला है। अब आप साथ में हैं तो काम आसान हो। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपकी नौकरी का पहला दिन है बहुत अच्छा। जी, गणतंत्र दिवस का। बिल्कुल सही, और ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आज हम खूब मस्ती करेंगे और फंक्शन होने के बाद हम थीम पार्क भी चलेंगे, है ना? ये राहुल, तू इतना अपसेट क्यों है? यार संजू, मेरे बाबा महीने में सिर्फ एक बार मुझसे मिल सकते हैं, और आज हम दोनों को मिलना था। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे तू फिक्र मत कर, अब भी तो पूरा दिन पड़ा है, देखना तुझे मिल ही लेंगे इधर पापा। अभिजीत तुम उन लोगों के साथ बातचीत करते रखो, उलझाए रखो उन्हें, तब तक मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। सर इस तरह से किडनैपर्स को पैसे देकर बंधकों को छोड़ना क्या सही रहेगा? सचिन पैसा तो जा रहा है उन लोगों के गले तक पहुँचने के लिए। सर एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? सर स्कूल के बच्चों को लेकर जाने वाली बस गायब हो गई। व्हाट? कब, कहाँ, कैसे? सर इस बस को 2 घंटे पहले रिपब्लिक डे के फंक्शन में पहुँचना था, पर बस का कोई अता पता नहीं। हो सकता है वो बस रास्ते में कहीं खराब हो गई। सर लोकल पुलिस ने पता किया, लेकिन बस कहीं नहीं।
अरे बस में कोई तो फोन होंगे, किसी ने तो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की होगी। सर बस में जितने लोगों के पास भी फोन थे उन सबके फोन स्विच ऑफ है, किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। एक काम कर सकते हैं, इस बस में जो भी फोन थे पता लगा वो कब स्विच ऑफ हो गए, बस वही बस का आखिरी लोकेशन होगा। सर हाँ, बस में से आखिरी कॉल एग्जैक्टली इस लोकेशन से आता था। बस निकली स्कूल से और उसे जाना था जेडी नगर, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि बस यहाँ इस रास्ते से गई। हाँ सर, ये रास्ता तो काफी घूम कर जेडी नगर जाता है। हाँ जरूर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बस यहाँ इस सड़क से गई। बस के टायर्स के निशान, ऐसा लगता है कि अचानक ब्रेक मारा गया है जिसकी वजह से ये टायर मार्क्स में। मगर ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया होगा, रास्ता तो बिल्कुल खाली है। कुछ तो ऐसा हुआ यहाँ पर जिसकी वजह से ड्राइवर को यहाँ पे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। सर बुलेट शेल। बुलेट शेल मतलब उस बस को यहाँ पे जबरदस्ती रोका गया था। सर हमारे बच्चे का कुछ पता चल? पता चल जाएगा, घबराइए मत, हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। सर उस बस में मेरा बेटा है। मैम उस बस में और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सर हम लोग भी आप लोगों के साथ चलेंगे, पता नहीं उन गुंडों ने हमारे बच्चों को कैसे किस हाल में रखा होगा। नहीं मैम, उन बदमाशों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। और अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि हम उनका पीछा कर रहे हैं तो बच्चों को खतरा हो सकता है। आप लोग प्लीज अपने अपने घर चले जाइए, बच्चों के बारे में जैसे ही पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। प्लीज प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज। हम पर भरोसा रखें, बहुत जल्द आपके बच्चे आप लोगों के साथ होंगे। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। क्यों एसीपी साहब, बहुत देर कर दी फोन उठाने में। अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वो बस और बच्चे हमारे पास है। याद रखना, बच्चों का एक बाल तक बाका नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ना 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 एसपी साहब, धमकी नहीं, क्योंकि अभी तो आप धमकी देने के हालात में है ही नहीं, अभी तो आप मजबूर हैं, लाचार हैं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? शेरा। क्या? आप हमें शेरा दे दीजिए, हम आपको बच्चे दे दें। तुम्हारे हेलो हेलो फोन कहां से आ रहा था पता ही नहीं चला सर, एक ही वक्त पे अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। जितनी मुश्किल से इस शेरा को पकड़ा था तो उतनी आसानी से छोड़ना पड़ेगा इसे। सर अगर शेरा छूट गया तो फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगा। पता है मुझे फ्रेडी, सब पता है, मगर क्या करें, अगर बच्चों को बचाना है तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा और हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बच्चों को पहले छुड़वाएंगे। मैं तुम्हें महीने में एक ही दिन मिल सकता हूँ और वो आज का दिन था। बेटा अगर मैं तुम्हें आज नहीं मिल पाता तो मुझे एक महीना वेट करना पड़ता और ये मैं होने नहीं देता बेटा। थैंक यू बाबा,
लेकिन देखो ना, हम तो फंस गए हैं। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। अरे राहुल के पापा है। देखिए, हमें पहले यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना होगा। लेकिन कैसे? ये कम वक्त नजरे गड़ाए बैठा हम पर। हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। भाई साहब, मैं बोला था ना तुम दोनों को, जाके वहां बैठो। हाँ अंकल, मुझे बहुत जोर से सूसू आई है। सूसू लगी है तेरे को? रोक के रख, समझे क्या? भाई साहब, छोटा बच्चा कैसे रोकेगा? अब तू समझाएगा मुझे? हाँ सूसू आई है। प्लीज चल। प्लीज भाई। शम्मी ध्यान रख। संभल के बेटा, शाबाश। यस। रन गो, गो गो। जा रहा हूं। ये हुई ना बात ऑफिसर, जा पैसे लेकर आ। अब पैसे तुम्हें मिल गए, अब पब्लिक को बाहर आने दो। क्या है, अभी तो हमारी डिमांड्स पूरी कहां हुई है? ए, ये क्या पैतराबाजी है? तुम हमें मजबूर मत करो, समझे? मजबूर तो तुम हो ही, इसलिए तो हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो। ठीक है, क्या चाहते हो? हमें चाहिए एक आर्म ट्रक और एक पर्सनल हेलीकॉप्टर जो हमें यहां से निकलने में मदद करेगा। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? ये सब नहीं मिलेगा। चुपचाप पब्लिक को बाहर भेजो। अगर तुम चाहते हो ये सब यहाँ से सही सलामत छूट जाए तो हमारी डिमांड्स पूरी करो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो, बंदूक की नोक पे काम करवा रहा है। चल। कैसे? तुम जैसो पर मेहरबानी? तुम जैसो को तो फांसी पर लटकाना ही मैं मेहरबानी समझता हूं शेरा। तुम मुझे यहां फांसी पर लटकाने के लिए बुला है? नहीं शेरा, तुम्हें छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए। हो एसीपी प्रद्युमन,
और मुझे रिहा कर रहा है। ना, मैं यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करो तो ही अच्छा है शेरा, क्योंकि जब भी कोई मुजरिम मेरी आंखों में चढ़ता है ना, वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहता। इसी भी शेरा हूं मैं, कोई राह चलता जेब कचरा नहीं हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि सारे मुल्कों की पुलिस बाहर मेरा इंतजार कर रही है। करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम है मेरे ऊपर। एक बार तुम्हारे हाथ आ गया, बार बार ये मौका हाथ आने वाला नहीं है। ऐसे भी ना, नहीं। मौके तो हम बनाते हैं शेरा, मौके हम बनाते हैं। तू चाहे जमीन के अंदर ही क्यों न छुप कर बैठ, तुझे तो मैं जमीन खोद कर बाहर निकालूंगा, समझे? जमीन खोद कर। बता शेरा, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं एसीपी, और इस वक्त तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मजबूर हो, मजबूर हो। ज्यादा देर तक नहीं शेरा, ज्यादा देर तक नहीं। ये मेरा हाथ, ये तुम्हारा गला, बस सिर्फ इतना ही फासला बाकी है तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच। अब उतरोगे या बाइक पे ही जमे रहोगे? ढंग से बात करो। जो आदमी ढंग का काम नहीं करता, उनसे मैं ढंग से बात नहीं करता, समझे? क्या काम किया? मुझे औरतों की तरह कपड़े पहना दिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे ही रूप में देखना चाहता है? मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं सबका बॉस हूं। अच्छा? क्या काम हो गया? तुम निकलो ऐसे। हमारा काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम जेल के बाहर हो। सपने देखो, मुझे फिर से अंदर करने के। पकड़े तो तुम जाओगे और जेल में बैठ के सपने देखते रहना छूटने के, समझे? जरा देखो जरा आसपास। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे दोस्तों को? कैसे पकड़ाऊं इन बदमाश लोगों को? लगता है बदमाश अंकल आ गए। अब क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारी मदद करने आए, हम लोग सीआईडी से। सच? हाँ हाँ, आ जाओ। वो बस कहाँ है जिसे उन बदमाशों ने हाईजैक किया है? तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है? तुम उसी स्कूल बस में आए हो ना? हाँ, मैं वही स्कूल बस से आया हूँ। मैं वहाँ से चुपके से निकल आया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, वो सबको बदमाश अंकल लोगों ने पकड़ के रखा है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जब तक हम हैं किसी को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है?
ये बताओ कि वो बस कहाँ है, वो लोग कहाँ पर है? वो सामने जंगल के पास खड़ी है बस। कोई नहीं है, क्यों बुलाया यहाँ पे? फ्रेडी वहां से रुक जा, ए रुक जा, जल्दी छोड़ो मत, चल बाहर निकल, बाहर निकल सर, निकल बाहर सर, सर सारा चक्कर क्या है? तेरे लोग तुझे क्यों मार रहे हैं? जल्दी, मुझे नहीं पता सर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। चुप, नाटक बंद कर। सर सर, जेल मार डालाना तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए। कहाँ है बच्चे? बता जल्दी शिरा, बता जल्दी, नहीं तो सर मुझे नहीं पता। आई स्वयं, मेरे बहुत सारे दुश्मन है, किस ग्रुप का काम है मुझे नहीं पता सर, नहीं पता। स्वयं तुम्हारे लोगों ने हाईजैक किया था ना पास को? मुझे कैसे पता होगा, मैं जेल में था। एक बात ध्यान में रख शेरा, अगर एक भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना, तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। सीआईडी इंस्पेक्टर दया, चल 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 भागा। गाड़ी चला वरना ठोक दूंगा। चल चल चले, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, आवाज नहीं मत कर, चुप। देख क्या होने पर? ये तू गाड़ी चला, आवाज नहीं।
लोग पीछे, बच्चों को आगे मत आने देना। बच्चे को छोड़ दे, गाड़ी से उतर जा, गया मार दो इसको। अच्छा तुम पीछे ले लो, पीछे ले लो। चलो बच्चों पीछे पीछे, बच्चों को पीछे ले लो, संभल के आ जाओ। तुमसे कुछ बात करनी है, जवाब दो। ये क्या चक्कर है? अभी तो डिमांड पे डिमांड किए जा रहे थे, अब चुप्पी साध के बैठे हैं। आश्रय सर, उस तरफ एक रास्ता है, वहां से मॉल के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, वहां से निकलते हैं। निकलो।
आप इन लोगों का ध्यान यहीं पे भटकाइए, हम लोग पीछे से जा रहे हैं। जी सर। तब बात करो इन लोगों से। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे आप सबको बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच। संजना, राहुल की, तुम ठीक हो ना? आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे सही सलामत मिले हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे बच्चे बहुत ही बहादुर और होशियार हैं, इनकी वजह से मेरी जान बच गई। संजू, संजू कहाँ है? कौन संजू? मेरा दोस्त, वो भी हमारे साथ बस में था। ओह माय गॉड सर, बदमाश भी गायब है। हाँ, हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है बस चलने से पहले ही वो बदमाश संजू को लेके भाग गया। लेकिन किसी ने सिर्फ संजू को ही क्यों उठाया? आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग
ये गुंडे लोग कहाँ गए? ये ब्लास्ट, ये तो कहीं नीचे से आया हुआ। सबको बाहर निकालो। चलिए आप लोग सब ले, निकलिए यहाँ से। निकलिए, निकलिए, चलिए मैडम। इतना बड़ा गड्ढा, यहां से निकल के भाग गए वो लोग, और हम उनका पीछा ना कर सके इसलिए ब्लास्ट करके रास्ता भी बंद कर दिया। सर इसका मतलब उन्होंने वो आर्मर्ड व्हीकल और हेलीकॉप्टर इसलिए मंगवाया ताकि वो टाइम को पास कर सके। ठीक कह रहे हो श्रेया, बस को हाईजैक करना, लोगों को बंधक बनाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। कुछ और बड़ा करने की फिराक में ये लोग। सर संजू के परिवार में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं है, ये रही डिटेल सर। परेश, माय गॉड, परेश तो हमारे सिटी वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर है, ये संजू के पिताजी है। इनसे कांटेक्ट किया? सर बहुत कोशिश की लेकिन मोबाइल ऑफ है सर। सचिन, ये जरूर सब कुछ संजू और उसके पिताजी परेश से जुड़ा हुआ है। हाँ सचिन, हाँ, जो वो लड़का गायब हुआ संजू, उसके पापा वाटर सप्लाई प्लांट में चीफ इंजीनियर। हाँ परेश। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा दिखाना वाटर सप्लाई प्लांट, ये तो मॉल के बिल्कुल बगल में ही है, जल्दी चलो वहां चलना है। सर, माय गॉड, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सो परेश, मेरे बेटे संजू को बचा लो। हाँ हम उसे बचा लेंगे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग जबरदस्ती मेरे केबिन में घुसाए और कहने लगे मेरा बेटा संजू उनके कब्जे में है और मुझे मजबूरन यहाँ कंट्रोल रूम में लेके आए। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ पूरे शहर के वाटर सप्लाई का कनेक्शन सभी लेक से काटकर नेत्रा लेक से जोड़ दिया। क्या नेत्रा लेक से? लेकिन क्यों? पता नहीं सर। सर ये लोग जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। परेश, हम वाटर सप्लाई वापस दूसरे लेक में जोड़ सकते हैं, नेत्रा लेक से काट सकते हैं? नहीं, वो बाईपास की अपने साथ ले गए, आधे घंटे में वो लेक में कुछ करने वाले हैं, बचा लीजिए नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, नेत्रा लेक, उन बदमाशों को रोकना होगा। जरूर बदमाशों को पानी के अंदर कुछ लगा के रखा है जो खतरनाक है लोगों के लिए। ऐसे पानी पीने से तो लोगों की जान को भी खतरा है। हाँ, देख, तो देखो जरा उतर के देखो, और संभाल के, संभाल के फ्रेडी। संभाल के फ्रेडी।
काफी देर होगी, ये लोग अब तक पानी के अंदर ही है। बदमाशों के पीछे से जाओ जल्दी। बस बहुत चला ली गोली। बस अटेंडेंट है। क्यों किया तूने ये सब? बोल। इस शहर में तबाही मचाने के लिए मुझे बहुत पैसे दिए थे और उसका सबसे आसान तरीका है वाटर सप्लाई सिस्टम को जहरीला कर देना। तो तू उस बस में इसलिए था क्योंकि तुझे पता था कि संजू के पिता वाटर सप्लाई प्लांट में इंजीनियर है, है? हाँ। उन्हें मजबूर करने के लिए संजू को किडनैप करना जरूरी था। संजू कहाँ है? संजू कहाँ है बोल? उस गाड़ी में बंद पड़ा है। उर्वी संजू को लेकर आ। और तुम लोग शहर को बर्बाद करने आए थे, मिट गए, मिट गए। इस शहर को मिटाने वाले जब तक सीआईडी है ना, इस शहर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे? ले जाओ इन दोनों को। हे संजू, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, हम लोग है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।